कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी, तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे जेवर सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरों से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहन कर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था, और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे, और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था, और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। कीमती सलाह। रामपुर नामक एक गांव में एक अच्छा और कामयाब वकील था। उसका नाम राम था। जो भी उसे सलाह लेने के लिए आता, वो उसे हमेशा अच्छी ही सलाह देता था। उसके घर के सामने भूषण नाम का एक सोने का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही कंजूस था। वो हर किसी से सूद वसूल करता था। भूषण के खिलाफ मुकदमा लड़कर एक बार उसने उसे हरा दिया था। उस दिन से वो उसका दुश्मन बन गया था। लेकिन उन दोनों के बेटे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते थे। लेकिन भूषण राम से बात करना भी नहीं पसंद करता था और हमेशा उससे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन जब उनके दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो अचानक राम के बेटे का पैर
भूषण के बेटे को लगा और वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसका पैर टूट गया। भूषण ने अपने बेटे का इलाज करा लिया और डॉक्टर को पैसे दे दिए और खुद से कहने लगा कि राम के बेटे की वजह से ही मेरे बेटे का पैर टूटा है। अब उसे मैं ये सारा किस्सा सुनाकर अभी के अभी पैसे वसूल कर लूंगा, वरना अगर कुछ देर समय उसे दूंगा तो वो अपनी वकालत शुरू कर देगा। वो सारी रात जागकर सोचने लगा कि राम को क्या कहना है। जैसे ही सुबह हुई वो राम के पास आया और उसे सब कुछ सुनाने लगा। भूषण आज तक राम के घर नहीं आया था, इसीलिए राम उसे देखकर हैरान रह गया। क्या बात है भूषण, क्या हुआ? भूषण ने जवाब दिया, आप तो बहुत बड़े वकील हो, मैं आपसे सलाह लेने आया था। राम ने कहा, अच्छा तो कह क्या बात है? भूषण ने जवाब दिया, मेरे बेटे का पैर एक बच्चे की वजह से टूट गया है, उसका खर्चा 2,000 रुपए आया है, मेरा उसे वो पैसा लेना गलत है? तब राम ने जवाब दिया, सच है बेशक, उस लड़के के माँ बाप से ही सारा इलाज का खर्चा वसूल कर सकते हैं। भूषण ने बोला, अच्छा तो फिर वो मुझे 2,000 वसूल करवाओ ना आप। ठीक है, मैं उस लड़के के पिता से बात करूँगा और तुम्हें तुम्हारा पैसा दिलवाऊंगा, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। वो लड़का कोई और नहीं, आपका ही बेटा है। तब राम अचानक उसके सवालों को सुनकर हैरान रह गया। उसे जल्द से जल्द पैसे लेने थे। ठीक है, जाओ मेरे हिसाब करने वाले को हिसाब बता दो और अपने पैसे ले जाओ। 2,000 का क्या हिसाब हो सकता है? तब राम ने हंसते हुए कहा, मेरे पास कई लोग सलाह मांगने आते हैं और उसकी फीस 5,000 रुपए होती है। तुम मेरे हिसाब वाले को वो पैसे देकर अपने 2,000 ले लेना। भूषण हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका पैतरा उस पर ही भारी हो गया। भूषण बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे ऐसे देखकर राम की हंसी निकल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। दो दोस्त। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था मोहन। राजेश बहुत अच्छा आदमी था, उसके पास जो भी होता उसमें से वो सबकी मदद किया करता था। पर मोहन ऐसा नहीं था, वो राजेश से बहुत अमीर था पर किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन राजेश जंगल गया, वो वहाँ तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल की एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। राजेश बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आजकल दुनिया में जो खतरनाक वायरस चल रहा है इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है, पर कई लोग जो रोज कमाकर उन्हीं पैसों से खाते थे वो अब इस कारण भूखे हैं। मैंने बहुत लोगों की मदद की है पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम किसी की भी मदद करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा धन मिलेगा, और जब भी तुम उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे वो दुगना हो जाएगा। वो वापस घर आ गया और अब उस धन से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम बन गया। जब मोहन को उस देवी के वरदान के बारे में पता चला तो वो भी जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तभी अचानक उस जंगल की देवी प्रकट हुई, वरदान मांगने को कहा। मुझे किसी भी मृत शरीर को हाथ लगाते ही उसे जीवित कर देने का वरदान दो। ठीक है, आज से तुम किसी भी मृत शरीर को हाथ लगाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। वरदान देकर देवी गायब हो गई। वरदान पाकर मोहन खुशी खुशी घर वापस जा रहा था। तब उसे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का ख्याल आया। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसे एक शेर का मृत शरीर दिखाई दिया। तब वो बिना सोची समझे उसे जीवित करने के लिए उसे हाथ लगाने लगा। जैसे ही उसने शेर को छुआ वो शेर जीवित हो गया और उसने जोर से दहाड़ कर उस पर हमला कर दिया। वरदान तो मिल गया पर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना उसे नहीं आया।
अपनी ही बेवकूफी से उसने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए।